नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 4 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार में ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कुली। सीबीएसई 10वीं के 16,000 से ज्यादा छात्रों का अटका रिजल्ट। बिहार के 2 जिलों में डीईओ की हुई पद स्थापना। छात्रों को मैट्रिक इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सुधार का दिया मौका। पंचायत चुनाव में मुखिया उम्मीदवार के बैलेट पेपर का रंग हुआ तय। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरसीएफएल ने 104 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्तियां। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.rcfltd.com पर जाकर 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि फॉर्म भरने से पहले वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद वो यहां होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2021 का लिंक देखेंगे। यहां पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको विज्ञापन अच्छे से पढ़ना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आप भर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में अब छात्रों का फीडबैक कराएगा प्रोफेसर का प्रमोशन। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के तबादले के लिए नए नियम बनाने की तैयारी चल रही है। इस नए नियम के तहत अब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के प्रमोशन में छात्रों के द्वारा किए गए फीडबैक को जरूरी माना जाएगा। इन नियमों को लागू करने के लिए यूजीसी की करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत राजभवन की तरफ से कवायद हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये नियम लागू हो जाने के बाद अगर विद्यार्थी किसी प्रोफेसर का खराब फीडबैक देता है तो उनका प्रमोशन लटका भी रह सकता है। ऐसे में प्रोफेसरों पर इस बात का दबाव रहेगा कि वो बेहतर ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ाई में गाइड करें ताकि उन्हें अच्छी फीडबैक मिले। बताते चले कि वर्तमान में यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से प्रमोशन करने के नियम और प्रक्रिया को तय कर रखा है, लेकिन नए नियम तैयार हो जाने के बाद सूबे के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में प्रमोशन के लिए एक तय प्रावधान हो जाएगा। सीबीएसई 10वीं के 16,000 से ज्यादा छात्रों का अटका रिजल्ट। बीते दिन सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कई छात्र तो पास हो गए लेकिन कई ऐसे छात्र निकले जिनका रिजल्ट ही सीबीएसई के पास अटक गया है। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 16,000 बताई गई है। सीबीएसई की माने तो इन छात्रों के रिजल्ट की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही सीबीएसई की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में कुल 99.04% छात्रों को सफल घोषित किया गया है। पिछले साल सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 91.46% रहा था। वहीं इस साल कुल मिलाकर 0.84% यानी कि 17,636 छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है। सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हो सकती है। पटना जोन की टॉपर ऋतुपर्णा बनी है। बिहार के 2 जिलों में डीईओ की पदस्थापना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 2 अधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही निदेशक प्रशासन सुनील कुमार ने पत्र जारी किया है, जिसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में पदस्थापित अमर भूषण को बक्सर का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं जमुई के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अश्विनी कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया गया है। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। बिहार में अगले 72 घंटों में बिहार के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में 4 अगस्त को कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 4 अगस्त को भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय और दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी अलर्ट जारी किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे परमानंद झा की। परमानंद झा का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। परमानंद झा नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं नेपाल के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश है। वो नेपाल के सबसे सफल जातिवादी पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरम से संबंधित है। नेपाल के संविधान सभा के निर्वाचन से ठीक पहले तराई के गृह नेपाली भाषा
द्वारा संयुक्त रूप से मधेशी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन द्वारा प्रवाहित जनऊर्जा को तत्कालीन जातीय संस्था मधेशी जनाधिकार फोरम द्वारा निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा कर अपने पक्ष में संचित कर लिया गया। भाषिक राजनीति के अंतर्गत मधेशी भाषा प्रवर्धन और वचनबद्ध दल के नेता परमानंद झा द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में हिंदी में लिया गया शपथ लोगों को आश्चर्यचकित भी किया था। पंचायत चुनाव में मुखिया उम्मीदवार के बैलेट पेपर का रंग हुआ तय। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों को ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के निर्देश के मुताबिक सफेद कागज पर काले रंग से ग्राम पंचायत सदस्य का नाम प्रिंट किया जाएगा। इसी तरीके से मुखिया पद के उम्मीदवार का नाम सफेद कागज पर हरे रंग से दर्ज किया जाएगा, तो वहीं पंचायत समिति उम्मीदवारों की पहचान सफेद कागज पर नीले रंग से कर सकेंगे। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के लिए सफेद कागज पर लाल स्याही से पहचान दर्ज किया जाएगा। इधर आयोग ने बताया है कि इस पहल से मतदाताओं को अपने चुनाव क्षेत्र में अलग अलग पदों के प्रत्याशियों की पहचान करने में मदद मिल सकेगी। पटना में अब मिलेगा समुद्र के अंदर का एहसास। राजधानी पटना में लोगों को समुद्र के अंदर का एहसास मिलने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण सेंटर में बन रहा ओशियन गैलरी लोगों को यह एहसास दिलाने वाला है। नवनिर्मित इस ओशियन गैलरी में लोगों को समुद्र से जुड़ी विज्ञान और जीव जंतुओं की जानकारी मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार यह गैलरी 600 वर्ग फुट की बन रही है और इसमें 13 प्रदर्श के माध्यम से लोगों को समुद्र में पानी में पाए जाने वाले विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसको समझना छोटे बच्चों के लिए भी आसान होने वाला है। इतना ही नहीं, इसमें समुद्र के पानी के घनत्व, रंग और मनुष्य के शरीर पर समुद्र के पानी का कितना भार होता है, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस गैलरी में खासियत ये होगी कि इसमें प्रवेश करते ही लोगों को समुद्र के अंदर प्रवेश करने का एहसास होगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सैनिटरी पैड का है अभाव। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में सैनिटरी पैड को अनिवार्य किया गया है। हालांकि बिहार के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे, जिससे प्रसूता महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बताया कि कई सालों से बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सैनिटरी पैड खरीद कर नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण वो अस्पतालों को सप्लाई नहीं कर पा रही है। कोरोना काल से पहले बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से सैनिटरी पैड बांटने को मिला था। कोरोना संक्रमण के कारण सैनिटरी पैड नहीं बांटा जा सका है, जिससे महिलाओं के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पड़ोसी देश को बिजली देगा कटिहार। डीजल से संचालित जनरेटर से बिजली उत्पादन करने वाले कटिहार में जल्द ही उच्च क्षमता का पावर ग्रिड कोढ़ा प्रखंड बनने वाला है। 300 करोड़ की लागत से सुपर पावर ग्रिड का निर्माण होने के बाद कोसी सीमांचल सहित पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी इस पावर ग्रिड का निर्माण होने के बाद कोसी सीमांचल सहित पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी इस पावर ग्रिड से बिजली सप्लाई की जाएगी। साल 1957 में 660 किलोवाट क्षमता वाले डीजल आधारित बिजली घर शहर के बिनोदपुर में स्थापित की गई थी। पूर्णिया जिला मुख्यालय तक बिजली ले जाने के लिए 11,000 का तार लगाया गया था। इससे कटिहार और पूर्णिया के कुछ खास इलाके में बिजली आपूर्ति की जाती थी। अब बिहार में ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कुली। बिहार के स्टेशन पर आपने अब तक कई कुली को देखा होगा, लेकिन अगर आप कुली को सड़कों पर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि अब बिहार में यह मुमकिन होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1,00,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत का काम करने जा रहा है, जिसके तहत ही छोटे बड़े पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। इसी कड़ी में कुली की बहाली भी की जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार औसतन हर 2 पंचायत में एक पथ कुली की बहाली की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एक पंचायत में एक कुली भी तैनात होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभाग के अधीन 1,070 वर्कर सेक्शन है। प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कुलियों के हिसाब से कुल 5,350 पथ कुली रखने की योजना है। हर पंचायत में बनेगा आरटीपीसीआर काउंटर। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इसी के साथ पंचायत चुनाव की तारीख भी नजदीक आने लगी है। इसी बीच कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा कि 15 अगस्त 2021 से हर हाल में आरटीपीएस काउंटर का संचालन कार्य प्रारंभ होगा। उसके लिए विभाग ने पंचायतों को फर्नीचर आदि के लिए धनराशि भी उपलब्ध करा दी है। इसके साथ ही 12 अगस्त तक विभाग को अपने अपने पंचायतों को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही आरटीपीसी काउंटर खोलने के समय 10 बजे से 12:30 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है, जिसके कारण गरीबों और मजदूरों को जाति आवासीय आय और अन्य कार्यों के लिए प्रखंड और अनुमंडल कार्य का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बिहार में कोरोना
प्रोटोकॉल की असलियत जानने खुद निकले मुख्यमंत्री। बिहार में कोरोना के मामलों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद बिहार में सरकार की तरफ से भी नियमों में काफी छूट दे दी गई है। हालांकि सरकार बार बार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। इसी बीच अब बिहार की जनता की वास्तविकता जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही सड़कों पर बीते दिन उतरे, जहां उन्होंने कोरोना के नियमों का लोग कितना पालन कर रहे हैं इस बात का जायजा लिया, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश सबसे पहले वैशाली जिला पहुंचे। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश वैशाली के अलावा अन्य कई जिलों में जाकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की स्थितियों का जायजा लेते देखे गए। वैशाली में जायजा लेने के बाद वो मुसरी घरारी होते हुए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूसा होते हुए रेवाघाट, उसके बाद छपरा के गरखा, दरियापुर, सोनपुर होते हुए वापस पटना लौटे। बिहार बोर्ड ने छात्रों को मैट्रिक इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सुधार करने का दिया मौका। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर पास छात्रों को अपने मार्कशीट में सुधार का मौका मिला है। इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब छात्र 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक अपने मार्कशीट में सुधार करवा सकते हैं। इस बाबत छात्रों को बीएसईबी के प्रमंडलीय कार्यालय में अप्लाई करना होगा, जिसके तहत 2020 के सत्र में पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र इसके लिए अपने मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक शपथ बनाकर स्कूल में आवेदन करेंगे। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को भेजी मच्छरदानी। बिहार में डेंगू के संभावित प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार अभी से ही मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बिहार में जलजमाव के कारण काफी पानी भर गया है, जिसके कारण डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जिलों में जगह जगह छिड़काव का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार के सभी जिलों में 1.32 लाख मच्छरदानी भेज दिए गए हैं, ताकि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया जा सके और उन्हें डेंगू से बचाया जा सके। सभी मच्छरदानी मेडिकेटेड मच्छरदानी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी नॉन मेडिकल कॉलेज में जहां डेंगू का नोडल सेंटर बनाया गया है, वहां डेंगू की जांच को विशेष रूप से एक्टिवेट किया गया है। लालू यादव ने चिराग और तेजस्वी के साथ आने की जताई इच्छा। तबीयत खराब होने के खबरों के बीच लालू यादव बीते कुछ दिनों से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ लालू यादव ने सोमवार को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, वहीं बीते दिन वो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मिलने पहुंचे, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव 7 तुगलक रोड स्थित शरद यादव के आवास पर पहुंचे, जहां उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। इन दोनों की मुलाकात को व्यक्तिगत बताया जा रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत में लालू यादव ने तेजस्वी और चिराग के साथ आने की बात कही है। मशीन पढ़ेगी दिमाग। तनाव को कम करने के उद्देश्य से पटना एम्स में दिमाग पढ़ने के उपकरण को विकसित किया गया है, जिसके तहत एम्स में फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। यह मशीन लोगों के दिमाग को पढ़ेगी और दिमाग की गतिविधियों को जानेगी और तनाव आखिर कितना है इस बात का खुलासा भी करेगी। इस बाबत पटना एम्स में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में FNIRS मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया गया है, जो पूर्वी भारत में अब तक का पहला मशीन है। इसको लेकर एम्स के फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नई तकनीकी मशीन है जो इंफ्रारेड पर काम करता है। हमारा ब्रेन जब काम करता है तो उस समय ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और यह मशीन ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई को कैच करता है। यह मशीन बताती है कि ब्रेन में किस एरिया में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है या घट रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में आगे ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की कही बात। बिहार में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली थी। हालांकि अब तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए बिहार में ऑक्सीजन की कमी की समस्या नहीं होने का दावा किया गया है, जो कि किया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। ज्ञात हो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मंगलवार को भाजपा कार्यालय के सहयोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोगों की भी शिकायतें सुनी। इसी दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि 31 अगस्त तक राज्य में 122 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। इस बार बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तेजस्वी के साथ आने पर चिराग ने कही यह बात। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जहां लोजपा में चाचा भतीजे की लड़ाई के कारण विवाद शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजद चिराग पासवान को अपने खेमे में लेने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच अब चिराग पासवान ने लालू यादव के बयान के बाद सामने आकर राजद के साथ विलय होने की बात पर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिता और नेता रामविलास पासवान के सहयोगी और साथी रहे। दोनों की मित्रता लंबे समय तक अच्छी रही है। लालू और रामविलास पासवान ने एक साथ काम किया है, ऐसे में उनका प्रोत्साहित करने वाला बयान प्रसन्न करने वाला है। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा है। आज को
कुछ ऐसी हो सकती है दोनों टीम की प्लेइंग 11। भारत बनाम इंग्लैंड का पहला मैच आज खेला जाना है, जहां दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि चेतेश्वर पुजारा की जगह केएल राहुल को मौका मिल सकता है, लेकिन पहले मैच में कप्तान कोहली पुजारा पर भरोसा जता सकते हैं, जिसके तहत भारत आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान में उतर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड अपने डोमिनिक सिबली, रोरी बर्न्स, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, ओली पॉप, सैम करन, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, ओसी रॉबिन्सन के साथ मैदान में जीत के इरादे से उतर सकती है। अब व्हाट्सएप खोले बिना ही भेज सकते हैं किसी को भी मैसेज। आज के समय में व्हाट्सएप हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। वहीं व्हाट्सएप भी अपने यूजर को समय समय पर कई ऐसे फीचर देता है जिसकी मदद से यूजर का व्हाट्सएप एक्सपीरियंस बेहतर होता है। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप ने यूजर को एक ऐसी तरकीब बताई है जिसकी मदद से अब यूजर आसानी से बिना चैट खोले ही मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओपन करें, उस पर कॉन्टैक्ट का चुनाव करें जिसे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। उस कॉन्टैक्ट को चैट बॉक्स पर कुछ समय के लिए टैप करें। इसके बाद अब आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे, उसमें से एक ऐड चैट शॉर्टकट ऑप्शन होगा। ऐड चैट शॉर्टकट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद उस कॉन्टैक्ट का चैट बॉक्स होम स्क्रीन पर सेव हो जाएगा। यहां से आप बिना व्हाट्सएप ओपन किए ही उस कॉन्टैक्ट को आसानी से मैसेज भेज सकेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत शासन अधिनियम 1935 को महारानी की स्वीकृति मिली थी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा में 1956 को शुरू हुआ था। नासा ने 2004 में एलिटिक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया था। नासा ने 2007 में मंगल ग्रह की खोज के लिए फिनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण आज ही के दिन किया था। सरकार ने 2008 में भारतीय जहाज रानी निगम को नवरत्न का दर्जा आज ही के दिन प्रदान किया था। साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडे का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। अभिनेता, गायक, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 1929 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का निधन 1937 में आज ही के दिन हुआ था। 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट होगा इस महीने में जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा 29 से 31 जुलाई के बीच में आयोजित करवाई गई थी, जिसके बाद छात्रों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार 66वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट इस साल अक्टूबर में निकलेगा और साल के अंत तक इंटरव्यू के साथ साथ अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 66वीं बीपीएससी में रिक्तियों की संख्या 691 है। मुख्य परीक्षा में इसके 2.5 गुने से कुछ अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार लगभग 1800 अभ्यर्थी इस परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,230 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,230 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.72 रुपए प्रति लीटर था। रांची और गया के लिए दरभंगा से शुरू होगी उड़ान सेवा। हाल ही में दरभंगा से रांची और गया के लिए उड़ान सेवा बहाल करने को लेकर दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से रांची सांसद संजय सेठ, गया के सांसद विजय कुमार मांझी और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन का विस्तार करने, पदाधिकारी और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा प्रवेश द्वार में टर्मिनल भवन तक यात्रियों के आवागमन के लिए विमान कंपनियों द्वारा ई व्हीकल की सुविधा दिए जाने का आग्रह किया, जिसके तहत रांची और गया के लिए दरभंगा से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कमरुद्दीन अंसारी, रंजीत मेहता, दीपक कुमार, अशरफ नदीम, रवि कुमार, अनिल यादव, रुस्तम खान, राजेश कुमार, मनदीप कुमार, बाबूलाल मरांडी, प्रहलाद कुमार, ओम प्रकाश भारती, अशोक कुमार, अमरेश सिंह, राजीव कुमार, ब्रजेश कुमार, मोहम्मद फैजान, विश्वकर्मा कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सक्रियता से राजद को फायदा होगा या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।